हेलो एवरीवन, तो हम चैप्टर 24 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 24 में हमने सेक्शन 319 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेक्शन 320। ठीक है, 320 को आज हम जानेंगे। 320 बात करते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, मतलब कि जिसमें समझौता किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ऑफेंस बताए गए हैं कौन कौन से ऑफेंस में समझौता हो सकता है। ठीक है, और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेरेक्ट ले लीजिए और आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। जो भी इसमें टेबल है, टेबल बताए गए, आप उसको भी देखेंगे। ठीक है, वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप टेबल को देखेंगे और कौन कौन से उसमें ऑफेंस आते हैं जो कंपाउंडेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज बताता है द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ द आईपीसी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट टू कॉलम ऑफ द टेबल। नेक्स्ट फॉलोइंग मे बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन इन द थर्ड कॉलम ऑफ दैट टेबल। जो इसमें टेबल है, जो आपको नीचे टेबल दिखाई दे रही है, उसमें जो ये तीन रो दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में आपको जो ऑफेंस का, जो ऑफेंस हुआ है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो इसमें आप एग्जांपल के तौर पे इसमें देख सकते हैं, जो फर्स्ट रो में बताया है अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा विद डेलिब्रेट इंटेंट टू वाउंड द रिलीजियस, मतलब कि किसी रिलीजियस को हर्ट कर रहा है। ठीक है, रिलीजन को, तो इसमें डेफिनेशन बताए गए। और जो टू रो है, टू रो में सेक्शन बताया गया आईपीसी में कि कौन से सेक्शन में वो आएगा। ठीक है, और जो थर्ड रो है, थर्ड रो में बताया गया कि कौन पर्सन कंपाउंडेबल, मतलब कि कौन पर्सन कर सकता है समझौता। ठीक है, किस पर्सन के द्वारा किया जाएगा। तो उसमें थर्ड रो में बताया द पर्सन वॉज रिलीजियस फीलिंग्स आर इंटेंडेड टू बी वाउंड, जिसका रिलीजियस फीलिंग को इंटेंड किया गया, जिसको वाउंड किया गया, मतलब कि हर्ट किया गया जिसके रिलीजियस फीलिंग को, वह पर्सन ही क्या कर सकता है, कंपाउंडेबल कर सकता है, मतलब कंपाउंड कर सकता है, समझौता कर सकता है जिसने, जिस पर्सन ने भी उसके रिलीजियस को हर्ट किया है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है जिसको भी हर्ट किया जाएगा। और आगे इसमें बताया है वॉलंटरी कोजिंग हर्ट, जो फर्स्ट रो में सेकंड है, वॉलंटरी कोजिंग हर्ट, किसी को हर्ट किया जा रहा है वॉलंटरीली। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन। और जो सेकंड रो में 323 क्या है, आईपीसी का सेक्शन। ठीक है, और जो थर्ड रो है, थर्ड रो में बताया गया है द पर्सन टू वोम द हर्ट इज कोस्ट, जिस पर्सन को हर्ट किया जा रहा है। ठीक है, जिस पर्सन को हर्ट किया जा रहा है वो मतलब कि कंपाउंड, मतलब कि कंपाउंड कर सकता है उस ऑफेंस रिलेटेड, वही पर्सन होगा जो समझौता कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में टेबल में सिर्फ यही था। ठीक है, फर्स्ट क्लोज में, ठीक है, फर्स्ट क्लोज में सिंपली यही था। और जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज बताता है द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ द आईपीसी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट टू कॉलम्स ऑफ द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर सच ऑफेंस इज पेंडिंग बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन्ड इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज में सिंपली ये बात करता है कि जो जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है, जो नीचे बताए गए हैं, जो टेबल है, टेबल में आपको दिखाई दे रहा है, तो इन कंपाउंडेबल ऑफेंस में वो कंपाउंड करना चाहता है जो पर्सन। ठीक है, जो हमने थर्ड रो में पढ़ा था, जिस पर्सन के द्वारा कंपाउंड किया जाएगा, तो वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, वो परमिशन लेगा कोर्ट की, तब जाकर वो क्या कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है उस ऑफेंस रिलेटेड। तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जो टेबल में बताया गया है, जो फर्स्ट रो में कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है, मिसकैरेज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी जो ऑफेंस हो रहा है। और जो सेक्शन है, सेक्शन इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल, वो 312 में है। ठीक है, और जो थर्ड रो है, थर्ड रो में पर्सन बाय वोम ऑफेंस में भी कंपाउंडेड, कौन पर्सन कंपाउंड कर सकता है, द वुमन टू वोम मिसकैरेज इज काउंट, जिस वुमन का मिसकैरेज हो रहा है। ठीक है, वो पर्सन ही क्या कर सकते है, कंपाउंड कर सकती है, मतलब कि समझौता कर सकती है। ठीक है, तो वो समझौता कैसे करेगी, वो ऐसे नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। तो सेकंड क्लोज में जो ये नीचे ऑफेंस बताए गए हैं, वो कोर्ट से परमिशन के बाद ही समझौता उसमें हो सकता है, वही कंपाउंडेबल है। ठीक है, कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, तब जाकर वो कंपाउंड ऑफेंस होगा, मतलब कि उसमें कंपाउंडेबल, वो परमिशन लेनी होगी कोर्ट से, तब जाकर उसमें समझौता हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्लोज सिंपली ये बताता है। और जो इसमें थर्ड क्लोज है, व्हेन एन ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर दिस सेक्शन द अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस और एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, व्हेन सच अटेम्प्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस और वेयर द अक्यूज्ड इज लायबल अंडर सेक्शन 34 सेक्शन 149 ऑफ द आईपीसी मे बी कंपाउंडेड इन लाइक मैनर। जो थर्ड क्लोज है, सिंपली बताने की कोशिश कर रहा है, जो अबेट हो रहा है या फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं, ठीक है, अबेट या फिर अटेम्प्ट हो रहा है जिन भी ऑफेंस का, जो अंडर सेक्शन किसी में बताया है 34 और जो 149 है इसके अंडर, ठीक है, तो कंपाउंडेबल है, वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेज है।
ठीक है, उनको भी कंपाउंडेबल में लाया जा सकता है जो अटेम्प्ट हो रहे हैं, अबेट हो रहे हैं, ठीक है, जो ऑफेंस कमिट किए जा रहे हैं। ठीक है, अबेटमेंट और अटेम्प्ट का आपको पता ही है। मान लीजिए अगर मैंने किसी पर्सन को उकसाया और उसने वो तीसरे पर्सन का उसने क्या कर दिया, उसको हानि पहुंचा दी, ठीक है, हार्म कर दिया, तो ये अबेटमेंट है। और अटेम्प्ट है अगर मैंने किसी को मारने की कोशिश करी, ठीक है, तो वो अटेम्प्ट है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, उसने मर्डर करने की कोशिश की लेकिन उसको क्या होगा, एक ग्रीवस हर्ट हो गया। जो अटेम्प्ट और अबेट हो रहे हैं वो भी कंपाउंडेबल है ऑफेंसेस, ठीक है। और जो फोर्थ क्लोज में ए है सब क्लोज, उसमें बताया गया है कि व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स और इज एन एडियट और ए ल्यूनेटिक, एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपाउंड सच ऑफेंस। जो पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब इसमें नहीं की बात की, कैसे, अगर वो 18 इयर्स ऑफ एज है या फिर वो इडियट है या फिर ल्यूनेटिक है, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बिहाफ पे कोई कॉम्पिटेंट पर्सन क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसके बिहाफ पे, ताकि वो कंपाउंडेबल जो ऑफेंस है उसमें कंपाउंड किया जा सके, ठीक है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, उसमें कोर्ट की परमिशन नहीं होगी तब जाकर वो ऑफेंस को कंपाउंड किया जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं किया जाएगा, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, जो उसके बिहाफ में कंपिटेंट पार्टी आ रही है, ठीक है, जो कंपिटेंट पर्सन आ रहा है उसके बिहाफ उसके द्वारा। और जो बी सब क्लोज है इसमें फोर्थ क्लोज में, व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज डेड, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज डिफाइंड इन दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑफ सच पर्सन में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट कंपाउंड सच ऑफेंस। मतलब कि जो पर्सन कंपाउंड कर सकता था उस ऑफेंस से रिलेटेड, जो कॉम्पिटेंट था, अगर उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, मान लीजिए अगर वो डेथ हो गई है उसकी, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, मान लीजिए उसका जो सन है, डॉटर है, या उसकी फैमिली में जो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो जो अंडर सेक्शन अंडर दी सीपीसी 1908 जो सीपीसी में बताया गया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उसकी डेफिनेशन दी गई है सीपीसी में, ठीक है, उसके अंडर आते हैं, तो वह पर्सन क्या कर सकता है, वो कंपाउंड कर सकता है ऑफेंस रिलेटेड, वो कंपाउंड के लिए कॉम्पिटेंट है, ठीक है, और वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कंसेंट लेने की कोर्ट की, तब जाकर वो कंपाउंड कर सकता है ऑफेंस रिलेटेड, ठीक है, तब जाकर वो है लैब कॉम्पिटेंट होगा उस ऑफेंस रिलेटेड कंपाउंड करने के लिए, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई यहाँ पे। और जो फिफ्थ क्लोज है, व्हेन द अक्यूज्ड हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल और व्हेन ही हैज कन्विक्टेड एंड एन अपील इज पेंडिंग, नो कंपोजिशन फॉर द ऑफेंस शैल बी अलाउड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू विच ही इज कमिटेड और एज द केस में बी बिफोर विच द अपील इज टू बी हियर्ड। मान लीजिए जो अक्यूज पर्सन है उसने जो कमिट किया, मतलब की जो ऑफेंस उसका, जो उसका ट्रायल चल रहा है किसी कोर्ट में, और वो ट्रायल कहां पर चलना था, किसी सेशन कोर्ट में चलना था, ठीक है, और वो सेशन कोर्ट में कमिट हो जाता है, ठीक है, और ही हैज बीन कन्विक्टेड एंड अपील, तो वो उसको कन्विक्ट किया जाएगा और फिर वो अपील में जाएगा, जो अपील है वो पेंडिंग में है, ठीक है, तो पेंडिंग में हाईकोर्ट में भी जा सकता है, मतलब कि जो अपील है वो हाईकोर्ट में भी जा सकती है, सेशन में भी जा सकती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, ठीक है, तो उसमें नो कंपोजिशन फॉर द ऑफेंस, तो जिस कोर्ट में वह गई है, जिस कोर्ट में कमिट किया गया है वो ट्रायल के लिए, ठीक है, या फिर अपील की गई है, तो उसी कोर्ट के पास, उसी कोर्ट से उसको परमिशन लेनी होगी कंपाउंड करने के लिए उस ऑफेंस रिलेटेड, ठीक है, मतलब कि समझौता करने के लिए उसी कोर्ट से परमिशन लेनी होगी जिस कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा होगा, ठीक है, या फिर जिस कोर्ट में वह अपील में गया होगा, ठीक है, तो इसमें फिफ्थ क्लोज में सिंपली यही बात थी। और जो सिक्स्थ क्लोज है, ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन 401 मे अलाउ एनी पर्सन टू कंपाउंड एनी ऑफेंस विच सच पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड अंडर द सेक्शन। मतलब जो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में एक्सरसाइज करते हैं कौन सी पावर, पावर ऑफ रिवीजन, जो अंडर सेक्शन 401 में बताया गया है, मे अलाउ एनी पर्सन टू कंपाउंड, मतलब किसी पर्सन को कंपाउंड करने के लिए उस ऑफेंस रिलेटेड कहा जा सकता है, अलाउ किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ही करेंगे, क्योंकि उनके पास रिवीजन जा रही है पावर की, ठीक है, उनके पास पावर आ रही है 401 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वही कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, ठीक है, उस पर्सन को, जिस पर्सन को कंपाउंड करना है उस सेक्शन से रिलेटेड, जो सेक्शन उसमें लगाए गए थे जिस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसको कंपाउंड करने के लिए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन से ही कह लेनी होगी परमिशन, ठीक है, तब जाकर वो कॉम्पिटेंट है फॉर द कंपाउंड अंडर द सेक्शन। और जो सेवंथ क्लोज है, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द अक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन लायबल आइदर टू एनहांस्ड पनिशमेंट और टू ए पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड फॉर सच ऑफेंस। जो सेवंथ क्लोज है, सेवंथ क्लोज सिंपली बात करता है कि जो ऑफेंस वह पर्सन कर रहा है, अक्यूज्ड पर्सन, वो कंपाउंडेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने प्रीवियस कन्विक्शन, उसको पहले भी ऐसी सजा हो चुकी है, ठीक है, उसने पहले भी ऐसी सजा काट चुका है, उसने पहले भी वो ऑफेंस किया था,
तो उससे रिलेटेड वो लेबल है, ठीक है, किस लिए, उसकी इनहांस पनिशमेंट मिलेगी उसको, मतलब कि डबल भी मिल सकती है या उसको बढ़ाकर भी मिल सकती है। मान लीजिए उसका पहले उसने पहले अपनी कन्विक्शन हुई थी, प्रीवियस कन्विक्शन हुई थी उसको 3 साल की हुई थी, तो अब उसको क्या होगी, 6 या 7 साल की हो सकती है, ठीक है। ओटीओ पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट कांड, या फिर उसको डिफरेंट कांड की पनिशमेंट मिल सकती है फॉर सच ऑफेंस, जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन उसको वह कंपाउंडेबल नहीं है, उसमें कंपाउंडेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो 7th क्लोज सिंपली ही बताता है, और जो 8th क्लोज है, द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड विद व्होम द ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड। तो 8th क्लोज सिंपली ही बताने की कोशिश कर रहा है, जिस ऑफेंस से रिलेटेड जो कंपाउंडेड है, जो कंपाउंडेड है और उसमें कंपाउंड हो जाता है, ठीक है, तो उस पर्सन की जो अक्यूज पर्सन है वो अक्यूट माना जाएगा, ठीक है, उसको एक्विट कर दिया जाएगा, उसको बरी कर दिया जाएगा इस सेक्शन से रिलेटेड, जो इस सेक्शन में बताया गया है। तो 9th क्लोज है, 9th क्लोज सिंपली बात करता है, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन। मतलब कि जो हमने इस सेक्शन में, जो हमने 320 में सेक्शन में पढ़ा है, जितना भी जो भी इसमें आते हैं टेबल में, जितने भी टेबल में आते हैं वो कंपाउंडेबल है, ठीक है। जो इससे बाहर जाकर करेंगे वो कंपाउंडेबल नहीं है, इस सेक्शन के अंडर ही वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, क्योंकि ये सेक्शन कंपाउंडेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल से नहीं है, तो इसमें वो प्रोविजन नहीं इंक्लूड किए जाएंगे जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 320 कंप्लीट हो गया आज, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे 321 से लेकर जो आगे के फर्दर सेक्शंस होंगे, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वो, ठीक है। तो आज के लिए 320 सिंपली ये था, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस से रिलेटेड बात करता है।